इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकुलरली केवल ये दिखाऊंगा कि हम विंडोज़ सर्वर 2016 में इंस्टॉल्ड डीसी को कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें कैसे अनइंस्टॉल करेंगे उस चीज़ को। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये विंडोज़ सर्वर की 16 की स्क्रीन है और हम इसके सर्वर मैनेजर पे की स्क्रीन पे जाते हैं। तो उसके लिए हमने स्टार्ट मेनू में क्लिक किया और सर्वर मैनेजर पे हमने क्लिक किया। ये देखिए सर्वर मैनेजर हमारा खुल रहा है और जैसे ही सर्वर मैनेजर खुलेगा हम देखते हैं कि कैसे इसे अनइंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये सर्वर मैनेजर की स्क्रीन खुल गई आपके सामने। अभी देखिए हमारा सर्वर मैनेजर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। हम इसका वेट करते हैं कि ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले। ये देखिए फ्रेंड हमारा सर्वर मैनेजर खुल गया है और साथ ही साथ इसने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई रोल सेट करते हैं तो ऐड रोल्स में जाते हैं, वैसे ही लिए अगर हमें किसी रोल को निकालना है या कुछ अनइंस्टॉल करना है तो हम ऐड रोल एंड फीचर में जाएंगे, इसलिए मैंने ऐड रोल्स में क्लिक किया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर आप कुछ निकालना चाहते हो तो देखिए यहाँ आ रहा है स्टार्ट द रिमूव रोल्स एंड फीचर विजार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा बिफोर यू बिगिन, इस पर हमें नेक्स्ट करते हैं। ये विंडोज़ का है इसको भी नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ सारे रोल्स आ गए, हम ये रोल्स रिमूव कर देते हैं। देखिए वहाँ ऐड रोल्स के लिए यहाँ पे आता था, यहाँ रिमूव फीचर के लिए आएगा। ये हमने रिमूव क्लिक कर दिया। अब ये प्रोसेस करके इस रोल्स को रिमूव करने के का सारा प्रोसेस करेगा, सारी फाइलों को कलेक्ट करेगा। ये हमें इसे जो जो फीचर निकालने हैं तो हम वो सारे यहाँ से ले लेंगे और उन सारे फीचरों को हम निकाल सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे रिमूव करने के लिए इस फीचर पे, आप देखेंगे कि ये मैसेज आ रहा है। तो इसका मैसेज देखिए क्या बोल रहा है, ये द वैलिडेशन प्रोसेस फाउंड प्रॉब्लम ऑन द सर्वर फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव फीचर, द सेलेक्ट फीचर कांट बी रिमूव फ्रॉम द सेलेक्टेड सर्वर। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस फीचर को निकाल नहीं सकते, लेकिन इसके नीचे देखिए क्या आप ऑप्शन आ रहा है डिमोट दिस डोमेन कंट्रोल। तो डिमोट मतलब इसका डिमोशन हो रहा है, तो प्लीज़ इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए अब ये डिमोट करेगा। ये देखिए क्या निकालेगा, ये ओम को निकालेगा, यानी हमारे डीसी को। ये इसमें हम फोर्स में टिक करेंगे और इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर हमें प्रोसेस विथ रिमूवल करना है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हम उसका पासवर्ड देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इन चीजों को रिव्यू करेगा एक बार।
देखिए यहाँ आ रहा है रिमूव एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्ट विदाउट अपडेटिंग फॉर इस मेटा डाटा। यहाँ हम डिमोट करते हैं, ये स्टार्ट कर दिया इसने। आपके डीसी का, आपके डीसी के डिमोशन का प्रोसेस चालू हो गया। ये देखिए ये सारी सर्विसेज को स्टॉप करके उसे रिमूव करने लगा। जैसा हमने वहाँ देखा था वहाँ फोर्स ऑप्शन पे टिक करना मत भूलिएगा। अगर आप फोर्स ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे तो वो अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ आ रहा है सक्सेसफुली डिमोटेड द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, यू आर अबाउट टू साइन इन। अभी अपने आप साइन आउट हो जाएगा और एडमिन वाले विंडो पे आ जाएगा। ये सारी सर्विसेज को स्टॉप कर रहा है। सारी सर्वर सर्विसेज को स्टॉप करने के बाद ये रिस्टार्ट करेगा और दोबारा रिस्टार्ट होगा तो हम इसमें देखेंगे कि सारे रोल्स एंड फीचर्स हैं या निकल गए हैं। तो अभी रिस्टार्ट होने दीजिए इसको। ये देखिए सर्वर बूट हो रहा है, ये मेरा सर्वर बूट हो रहा है। अब अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स, ये लीजिए मेरा सर्वर बूट हो गया। इसमें लॉगिन करते हैं। अपना पासवर्ड डालते हैं इसमें। ये अभी हमारा लोकल डोमेन में जा रहा है क्योंकि पहले यहाँ पे होम लिखा हुआ आता था डोमेन का, अभी ये हमारा लोकल में जा रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन हो रहा है। प्रोफाइल लोड कर रहा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सारा हो गया काम। अब हम इंपॉर्टेंट नोटिस में देखते हैं। ये देखिए यहां दिखाने लगा ना प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इसका मतलब आपका इस सर्वर का डिमोट हो चुका है। तो ये था डियर फ्रेंड्स इसका डिमोशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आ सकूं। और प्लीज़ फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अगर इसमें वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स लगती है आपको या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।